हेलो एवरीवन, स्टे फॉर इन थाईलैंड। आज हम हैं बैंकॉक में। हमारे पास यहाँ पे एक दिन है और मैं निकल पड़ा हूँ जगह को एक्सप्लोर करने, क्योंकि मेरे पास एक दिन है तो मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा आई ट्राई एंड शो यू। तो मैंने अभी टैक्सी ले ली है और मेरा फर्स्ट स्टॉप है ग्रैंड पैलेस। फ़िलहाल मुझे यहाँ से लगेंगे अनदर 20 मिनट्स जाने में वहाँ पे। अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि रश आवर है। बैंकॉक में वैसे भी ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता तो। यहाँ पे ट्रैफिक में अगर एक बार आप फंस जाएँ तो फिर तो हो गया आपका काम। पर आई रियली होप कि अभी हमें ट्रैफिक और ना मिले और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि मैं आपको वो जगह दिखा पाऊँ। थाईलैंड में मोर स्पेसिफिकली बैंकॉक में मैं लोकल टैक्सी से ज़्यादा ग्रैब टैक्सी ऐप पे रिलाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीप एंड बेस्ट लगती है। एंड एज फार एज दिस राइड गोज, मुझे ये कॉस्ट कर रही है 150 बाट्स 20 मिनट्स के डिस्टेंस के लिए। मैं हूँ अभी ग्रैंड पैलेस के पास में और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बैंकॉक। जब भी हम बैंकॉक के बारे में बात करते हैं तो जो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो है यहाँ की नाइट लाइफ, स्ट्रीट फूड या फिर शॉपिंग मॉल्स। बट यहाँ की एक डिफरेंट साइड भी है, जो कि है यहाँ के टेंपल्स एंड उनके रिच हिस्ट्री। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड थाई रॉयल फैमिली का एक ये मेजर आर्किटेक्चरल सिंबल है। ऐसे रॉयल फैमिली अब यहाँ नहीं रहती है, बट ये पैलेस अभी भी सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है एंड एनुअली यहाँ पे 8 मिलियन विजिटर्स आते हैं। तो इस बात का एक ड्रॉबैक है कि ये जगह हमेशा स्कैमर से भरी रहती है, तो आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके साथ यहाँ पे कुछ गलत ना हो। आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज दिस एरिया। ये है यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके सामने है ग्रैंड पैलेस। तो मैं जाके देखता हूँ ग्रैंड पैलेस के अंदर। आई एम नॉट टू श्योर वेदर दे हैव एन एंट्री फीस और नॉट, सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक। अब इसने क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया, बट आई एम गोइंग फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली ये लोग ग्रैंड पैलेस के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं अब इस टाइम पे, और इन्होंने बोला है कि आगे एक टेम्पल है वहाँ चले जाइए, सो आई एम गोइंग देयर। अब जो मैं टेम्पल जा रहा हूँ दैट इज़ टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, और वो यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये टेम्पल। की इम्पोर्टेंस का आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि रॉयल पैलेस के साथ में ही बना हुआ है एंड बुद्धिस्ट फेथ के लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। I could never imagine Bangkok being so clean. तो लाइक आई सेड, दिस इज वन ऑफ द बेटर एरियाज ऑफ बैंकॉक, विच इज काइंड ऑफ हार्ड टू इमेजिन बट इट इज ट्रू। और अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये टेम्पल उतना ही पुराना है जितना ये सिटी। किंग रामा वन ने इसको 1782 में रिबिल्ड किया था और तब से ये यहाँ की एक मेन एग्जिस्टेंस है। वैसे तो बैंकॉक में 400 टेम्पल्स हैं, बट वॉट फॉर यहाँ की टॉप साइट में से एक है, और अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं तो देन इट इज हाईली रिकमेंडेड। और इस टेम्पल का नाम है वॉट फो और यहाँ की टिकट है 200 बाट्स। और यहाँ पे ये नॉर्म्स आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे ड्रेस कोड है। तो मैंने अपनी टिकट ले ली है 200 बाट्स की एंड नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। इस टेंपल की जो मेन हाईलाइट है वो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू, विच इज 46 मीटर्स लॉन्ग। This is quite amazing. मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा ये जगह, क्योंकि एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है तो इट कैन गेट वेरी क्राउडेड।
और अगर आप इस क्राउड को अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग आएँ या फिर लेट आफ्टरनून, ताकि आप मोस्टली टूर ग्रुप्स और क्राउड को अवॉइड कर पाएँ एंड इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। ये टेम्पल 20 एकर्स के एरिया में स्प्रेड है और इसमें इतने सारे गोल्डन बुद्धा के स्टैचू हैं कि आप काउंट करते करते थक जाओगे। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है प्लस एक मसाज स्कूल भी है। यस, इंटरेस्टिंगली आप इस टेम्पल के अंदर ही मसाज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इस टेम्पल के बारे में और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी अवेलेबल हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो फाइनली अब मैं अंदर जा रहा हूँ रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू देखने के लिए, विच वॉज मच अवेटेड। और अंदर जाने से पहले यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू। वाह, आप इस बुद्धा स्टैचू का साइज देखिए। और ये स्टैचू हमें दिखा रहा है बुद्धा को निर्वाणा स्टेज में एंटर करते हुए और वन फाइनल टाइम। इस टेंपल की जो मेन अट्रैक्शन है वो रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू ही है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ MBK मॉल अपने फ्रेंड्स से मिलने, और वहाँ जाके पूरी शॉपिंग करूँगा और कुछ खाऊँगा। ऑलराइट गाइज, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। एंड आपको मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वन में। तब तक के लिए यू गाइज स्टे सेफ़।